बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज लेक्चर नंबर 23 में हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि एक पोएम है नाइट के नाम से, जो कि एक पोएम है जिसका टाइटल है नाइट, रात। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 37 पे आ जाए, और पेज नंबर 37 पे आ जाए। The sun descending in the west, the sun descending in the west, the evening star does shine, the evening star does shine. The birds are silent in their nest, the birds are silent in their nest, and I must seek for mine, and I must seek for mine, and I must seek for mine. The moon like a flower, the moon like a flower, the moon like a flower in heaven's high bower, in heaven's high bower. With silent delight sits and smiles on the night, sits and smiles on the night. William Blake इसका राइटर है, इस पोएम का पोएट कौन है? William Blake की पोएट्री से है ये पोएम। तो इसकी समरी में हम डिस्कस करेंगे कि इस पोएम में पोएट हमें क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है। तो समरी इसकी मैंने बोर्ड पे मेंशन की है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। This beautiful poem is written by William Blake. This beautiful poem is written by William Blake. इस खूबसूरत नज़म का तहरीककार कौन है, राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है? William Blake. William Blake ने ये खूबसूरत नज़म लिखी है। In this poem, the poet describes that. In this poem, इस नज़म में the poet describes that, शायद बयान करता है कि that when the sun sets in the west, the stars start shining in the sky. ये नेचर के बारे में पोएट कुछ चीजें बयान करता है, नेचर की कुछ चीजें बयान करता है, कुदरत की। तो उसमें कहता है कि when the sun sets in the west, present indefinite tense में, when the sun sets in the west, जब सूरज मगरब में ग्रूप होता है, जब सूरज मगरब में ग्रूप होता है, the stars start shining in the sky, तो आसमान पर सितारे चमकना शुरू करते हैं, तो आसमान पर सितारे चमकना शुरू करते हैं। In this poem, the poet describes that when the sun sets in the west, the stars start shining in the sky. The stars shine in the evening. सितारे रात को चमकते हैं, the stars shine in the evening. सितारे रात को चमकते हैं, सितारे रात को चमकते हैं. After flying the whole day, सारा दिन उड़ने के बाद, the birds, परिंदे go back, वापस जाते हैं, to their nest, अपने घोंसलों की तरफ, to their nest, अपने घोंसलों में, to take rest, आराम करने के लिए. The stars shine in the evening, सितारे रात को चमकते हैं, after flying the whole day, सारा दिन उड़ने के बाद, the birds go back to their nest, परिंदे, the birds go back to their nest, परिंदे वापस अपने घोंसलों में जाते हैं, to take rest, आराम करने के लिए। At that time, ऐसे वक्त में, at that time, उस वक्त, silence is prevailing everywhere, हर जगह, हर तरफ खामोशी छा रही होती है। कब? जब सूर्य ग्रूप होता है और रात को सितारे चमकते हैं, परिंदे अपने घोंसलों में आराम के लिए वापस जाते हैं, उस वक्त हर जाने खामोशी छा रही होती है, उस वक्त हर तरफ खामोशी छा रही होती है। In the silence, I try to seek the purpose of my birth.
in this silence is hamoshimi. In this silence is hamoshimi. I try to seek the purpose of my birth. मैं कोशिश करता हूँ to seek the purpose of my birth. अपनी पैदाइश का मकसद ढूंढने की. To seek the purpose of my birth. Purpose मकसद, birth पैदाइश. अपनी पैदाइश का मकसद तलाश करता हूँ. मैं जांच पड़ताल करता हूँ कि मेरी पैदाइश का मकसद क्या है. किस वक्त? जब खामोशी छा रही होती है. जब खामोशी छा रही होती है तो मैं अपनी पैदाइश का जो मकसद है उसकी जांच करता हूँ, उसकी तरफ तवज्जो देता हूँ कि मेरी पैदाइश का मकसद क्या है. इन दिस डार्कनेस द मून इज लुकिंग लाइक ए फ्लावर ऑफ हेवन. इन दिस डार्कनेस, इस अंधेरे में, द मून इज लुकिंग लाइक, चांद दिखाई दे रहा है, फ्लावर ऑफ हेवन, हेवन जन्नत, हेवन जन्नत, फ्लावर ऑफ हेवन जन्नत के फूल की तरह. शायर कहता है कि इस सारे मंजरनामे में, अंधेरे में, चांद जो है वो जन्नत के एक फूल की तरह दिखाई देता है. चांद जन्नत के एक फूल की तरह दिखाई देता है. द मून इज सिटिंग साइलेंटली एंड इज स्माइलिंग ऑन द अर्थ. द मून इज सिटिंग साइलेंटली. चांद खामोशी से बैठा हुआ है. चांद खामोशी से बैठा हुआ है एंड स्माइलिंग ऑन द अर्थ, और जमीन पर मुस्कुरा रहा है. एंड स्माइलिंग ऑन द अर्थ, और जमीन पर मुस्कुरा रहा है. तो एक दफा रिपीट करते हैं. दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय विलियम ब्लेक. यह खूबसूरत नज़म विलियम ब्लेक ने लिखी है. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट द स्टार्स स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई. जब सूरज मगरब में ग़ुरूब होता है तो आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं. द स्टार्स शाइन इन द इवनिंग. सितारे रात को चमकते हैं. आफ्टर फ्लाइंग द होल डे, सारा दिन उड़ने के बाद, द बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट टू टेक रेस्ट. परिंदे आराम करने के लिए अपने घोंसलों में वापस जाते हैं. एट दैट टाइम साइलेंस इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर. एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन. उस वक्त हर जगह खामोशी छा रही होती है. इन दिस साइलेंस आई ट्राई टू सीक द पर्पस ऑफ माय बर्थ. उस वक्त मैं कोशिश करता हूं अपनी पैदाइश के मकसद की तलाश करने का. इन दिस डार्कनेस द मून इज लुकिंग लाइक ए फ्लावर ऑफ हेवन. इस अंधेरे में चांद जन्नत का एक फूल लगता है. The moon is sitting silently and smiling on the earth. और चांद जो जन्नत का एक फूल लगता है वो आसमान पर खामोशी से बैठा हुआ है, और जमीन पर या जमीन को देख के उस पर मुस्कुरा रहा है. तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टास्क है. आपने इस समरी को लर्न करना है, इसे डिस्कस करना है और लेसन की रीडिंग करनी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.